तक आपने देखा विष्णु वंश कान्हा को गोकुल में खोजने हेतु कंस कालिया नाग को अपना हथियार बना गोकुल वासियों के समक्ष प्रस्तुत करता है एवं कालिया नाग भी यमुना में अपना अस्तित्व स्थापित करने हेतु संपूर्ण यमुना का जल विषक्त कर गोकुल वासियों का जीवन असीम संकटों से भर देता है। प्रस्तुत प्रसंग के दौरान कान्हा कालिया के विष्णु भक्त पुत्र पारस की भक्ति को रक्षित कर एक माता को उसके पुत्र से मिलवाते हैं। अंततः प्रसंग के अंतिम चरण पर कान्हा कालिया को संभलने का अंतिम अवसर देते हैं। अब आगे मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? अपना परिचय दो। छुपा क्यों रहे हो? जब इतनी उत्सुक हो जानने के लिए तो बता देता हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ कौन हो तुम? नारायण नारायण। कान्हा की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है प्रभु। क्यों देव ऋषि, कान्हा ने ऐसा क्या किया? कान्हा के जिस सत्य को जानने के लिए मैया यशोदा को इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिस परम पिता ब्रह्मदेव को धरती पर आना पड़ा, उस रूप से कान्हा ने कालिया को इतनी सहजता से कैसे अवगत करा दिया प्रभु? आपकी इस लीला के पीछे क्या उद्देश्य है प्रभु? कान्हा का उद्देश्य केवल अधर्म पर विजय और पाप का नाश नहीं है देव ऋषि, अपितु उनका उद्देश्य अधर्मियों और पापियों का हृदय परिवर्तन, उनके अहम और अहंकार का नाश। किंतु यह तभी संभव है देव ऋषि, जब मनुष्य को यह आत्मबोध कि कर्ता वह नहीं अपितु कोई और है, और हृदय परिवर्तन एवं आत्मबोध केवल उपदेश और प्रवचन से संभव नहीं, वह संभव है सत्य के दर्शन से। इसलिए कान्हा ने कालिया को अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कराया। किंतु अब देखना यह है देव ऋषि कि कालिया के अहंकार के नाश के बाद उसके उद्धार के लिए कान्हा कौन सी लीला रचते हैं। अर्थात कान्हा की लीला को समझना अभी शेष है प्रभु। नारायण नारायण। माता, भगवान विष्णु ने पिताश्री को सद्बुद्धि दे दी। हाँ पुत्र, नहीं तो तुम्हारे निर्मम पिता अपने किसी विरोधी को छोड़ दे। ये कालिया भयभीत हो गए मुझसे, मेरे अधूरे परिचय से। क्या हृदय परिवर्तन हो गया तुम्हारा? नहीं उत्तर दोगे? उत्तर दो ना। किंतु इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना ही होगा कालिया, कि तुम यमुना छोड़ के जा रहे हो या नहीं। अवसर में से दूसरा अवसर भी दे दिया, बोलो उत्तर दो, जाओगे कि नहीं? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कालिया। तुझे क्या लगता है तेरी इस मायावी खेल से मैं सम्मोहित हो गया? तेरी बातों में आ जाऊंगा। मैंने तुझे अपने पाश से मुक्त कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुझे सर्वश्रेष्ठ समझ लिया है, तेरी सारी बातें मानूंगा। बात श्रेष्ठ और लघुता की नहीं है, बात यमुना से जाने की है। तू जानता है किसे यमुना से जाने को कह रहा है? तुझे भान भी है इस बात का? भली बात ही, मैं जानता हूँ। मैं उस पापी कालिया को यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, जो संपूर्ण संसार के लिए संकट बना हुआ है। बोलो जाओगे या नहीं? जाओगे जाओगे जाओगे, बस अब बहुत सुन लिया, जाएगा तू यहाँ से। अब दिखाता हूँ तुझे अपना विराट रूप। बुद्धि बातों से नहीं समझ पाए तुम। विष्णु जी, वातावरण में ये गंध कैसी? ये गंध वायु में विष के मिश्रित होने का परिणाम है कीर्ति। इसका अर्थ यह है कि न केवल जल विषाक्त है, वातावरण भी विषाक्त हो गया है। तुम मेरे दंश से अब बचोगे नहीं बालक, देखो अब मेरे विराट रूप का परिणाम। तुम देखोगे अब मेरे विराट स्वरूप का प्रभाव।
करो, वायु विषैली है। चलो यहाँ से, चलो। मैया बोला ठीक नहीं होगा, ग्वाली, ग्वाली। राधा चलो यहाँ से। मेरी खांसी विषाक्त वायु का परिणाम नहीं है, ग्वाली के दर्श न पाने का परिणाम है माता। जब तक मैं उसका दर्श न पालूंगी, मेरी सांस समान रूप से नहीं चलेंगी माता। मेरी सांसों की डोर तो ग्वाली की सांसों की डोर से बनी हुई है। आएगा तू कालिया से तुच्छ बालक। कालिया मैं निचोड़ दूंगा तुम्हें, एक गीली बस की भांति निचोड़ दूंगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर की विष को मैं निकाल दूंगा। भानु, ये भंवर कैसा उठ रहा है इस जल में? कारण समझ में नहीं आ रहा अनंत। नदी मेरा लल्ला अभी तक नहीं आया, ये क्या हो रहा है नदी जी? धैर्य रखो, काना आ जाए। नंद जी, मैंने सुना है भंवर में तो बड़े बड़े हाथी भी डूब जाते हैं, मेरा छोटा सा लल्ला ये कैसे सह पाएगा? लल्ला अपनी मैया को अपनी सूरत दिखा दी। लल्ला जी, अब तो मेरे लल्ला की सूरत दिखा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वातावरण में यह समय परिवर्तन कैसा? ये भयावह गर्जन तर्जन का कारण क्या हो सकता है महाराज? भगवान गंध की जय हो, भगवान गंध की जय हो, भगवान गंध की जय हो। व्याकुल हो, इस व्याकुलता का कारण क्या है? भगवान क्षमा करें, कालिया नाग का विष समाप्त हो रहा है। यमुना नदी का जल शुद्ध और स्वच्छ हो रहा है। असंभव, कालिया नाग का विष समाप्त नहीं हो सकता, विष का महासागर है उसके मुख में। भगवान क्षमा करें, सुना है इसका कारण एक बालक है। बालक? हाँ प्रभु, वो नदी में कूद गया था और जीवित बच गया। भगवान, मैंने स्वयं बसाया था काले को वहाँ, सोचा था यदि मेरा काल देवकी का आठवां पुत्र यदि वहाँ हुआ तो कभी ना कभी अवश्य आएगा और मेरी योजना बिना पूर्ण हुए विष समाप्त कैसे हो सकता है? महाराज, कहीं वो बालक उस छलिए विष्णु की माया तो नहीं? यदि वो बालक उसका अंश है तो उसका अंत निश्चित है, अंत निश्चित है। समय रहते किया था मैंने कालिया को सावधान कि
तो यदि मेरी बातों पर विश्वास किया होता तो आज ये दुर्गति न होती। कितना निर्दयी है ये मायावी बालक, इतना कष्ट दे रहा है मेरे कालिया को। याद रखना मायावी बालक, तुम्हारे इस अत्याचार का ऐसा प्रतिशोध लूंगा जिसे देखकर संसार कांप उठेगा। कालिया, मेरी मैया कहती है जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। स्मरण करो अपने अतीत को, स्मरण करो अपने अहंकार को, किसी के बहकावे में आके तुमने क्या किया है। कालिया, अतीत का दिया हुआ वर्तमान व्यक्ति को लौटाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस मुख से तुम विष निकालते हो कालिया, उसी मुख को आज मैं नष्ट कर दूंगा। विषक्रिय बना दूंगा मैं तुम्हारे मुख को। क्षमा कर दो बालक, हमारे पति को क्षमा कर दो। इनके जीवन का अंत मत करो। संसार में सुहागी पत्नियों का जीवन होता है बालक, यदि हमारा सुहागी जीवन नहीं रहेगा तो हमारे जीवन का क्या अर्थ। क्षमा कर दो हमारे पति को। कान्हा की दिव्य लीला का दर्शन करने का समय आ गया है प्रभु। नारायण नारायण, आपको देखकर मैं अचंभित हूँ प्रभु। आप भी इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इतनी कठिन परिस्थिति में कान्हा कौन सी लीला दर्शाने वाले हैं। कान्हा के सत्य स्वरूप को देखने का सुअवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है देव ऋषि। ऐसे अभूतपूर्व क्षण का दर्शन करने से स्वयं को कौन वंचित रखना चाहेगा। सत्य कहा प्रभु आपने, ऐसी दिव्य लीलाओं का साक्षी होना पुण्य कर्मों का फल है। नारायण नारायण, प्रभु आपकी ऐसी लीला का क्या उद्देश्य है। कान्हा की इस लीला से संपूर्ण संसार लाभान्वित होगा। कालिया जैसे विषधर की प्राजा प्रमाण होगा इस सत्य का कि दृढ़ संकल्प से किया गया कोई भी कार्य असंभव नहीं, तथा इस बार संसार में यह भी स्थापित होगा कि क्षमा और दया ही जीवन का मूल आधार है, इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। नारायण नारायण, कान्हा की ऐसी शिक्षा पद्र लीला, धन्य है कान्हा। तुमने मुझे मैया कहा है ना, क्या माता का विधवा होना पुत्र को अच्छा लगेगा। क्षमा कर दो हमारे पति को। कालिया, दंड दोषी को दिया जाता है, निर्दोष को नहीं। यही कारण है नारियों को संसार में सबसे महान माना गया है। दोषी पति के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है ये। आदर करना सीखो ऐसी नारियों का। अब से संसार की सभी नारियों का आदर करूंगा कान्हा, किंतु मेरे मस्तक से अपना पांव तो हटा लो, भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ। एक शर्त पे हटाऊंगा पैर, यदि तुम यमुना को सदा सदा के लिए छोड़कर जाने का वचन दो। बोलो स्वीकार है। नहीं। तब ये पाओ। नहीं हटाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण मत लो काना, मेरे प्राण मत लो। तुम्हारा अंत ही एकमात्र विकल्प है कालिया। नहीं काना नहीं, तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे जीवित छोड़ दो। तुम यमुना छोड़ दो। यमुना छोड़ूंगा तो गरुड़ मार देगा। मुझे यमुना में ही रहने दो, यहीं मैं सुरक्षित हूँ। और वचन देता हूँ, अब कभी विष नहीं उगलूंगा यमुना में, कभी नहीं। अच्छा, समझ गया, तुम्हें गरुड़ का भय है। हाँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, गरुड़ तीसरा तुम्हारा आयत नहीं करेंगे, तुम्हें स्पष्ट तक नहीं करेंगे। ये
कैसे संभव है? मैं तुम्हारे मस्तक पर अपने पद चिन्हों को छोड़ूंगा जो तुम्हारे निर्भयता का वरदान होगा। बहुत बहुत कृपा की आपने मुझ पापी पर, बहुत बहुत कृपा की। किंतु तुम्हें भी एक कृपा करनी पड़ेगी संसार पर। आदेश करें। संसार के निर्भय जीवन में तुम अपने भय का विष नहीं घोलोगे। स्वीकार है, उनके निर्भय जीवन में कभी बाधा नहीं बनूंगा। ये वचन है कालिया नाग का। यशोदा भाभी, जल के तल तक ध्वनि नहीं पहुंचेगी। एक माँ की ध्वनि जल के तल से लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है वृषभानु जी। मेरे लल्ला तक मेरी ध्वनि अवश्य पहुंचेगी। लल्ला, लल्ला आजा, लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है। लल्ला, कालिया नाग के मस्तक पर खड़ा है। कालिया के मस्तक पर नृत्य करता हुआ कितना मनोहारी दिख रहा है। झुकी झुकी झूम झूम
के बीच गाना कालिया के भर भर मन बोले जावत बा सूर्या।